युवा व्यापारी राकेश भवाकर इनका जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर परिसर के व्यापारी और दोस्तों ने पुष्प गुच्छ देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राकेश युवा व्यापारी होने के साथ साथ राजकीय एवं सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय है। राकेश गरीब एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सामाजिक दायित्व निभाने में भी पीछे नहीं है। कम उम्र में राकेश एरो ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। राकेश के दोस्तों और करीबियों द्वारा केक काटकर बधाइयां दी गई। आज एक प्रकार का संयोग है कि दोनों भाइयों का एक साथ एक ही दिन जन्मदिन होना, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आश्चर्यजनक भी है। ऐसा होता नहीं। और दोनों भाइयों का स्वभाव, दोनों भाइयों की काम करने की क्षमता और उनका समाज के प्रति विश्वास बहुत तगड़ा है। ये सामाजिक सेक्टर में काम करते हुए अनेक लोगों को, मैं माजी नगर सेवक राजेश धकाते, मेरे जैसे अनेक लोगों को उनका सहकार्य अनेक गुण धर्म से प्राप्त हुआ है। हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाना, समाज में क्रांति की दृष्टि से काम करना, इतना ही नहीं तन मन धन से खड़े रहना, ये इनका स्वभाव है। इसलिए मैं सारे दोस्तों की ओर से, उनके मित्र मंडली की ओर से और हमारे मित्र मंडली की ओर से, हलवा समाज का वरिष्ठ पार्षद होने के कारण मेरे समाज की ओर से मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। नमस्कार। आज राकेश भावळकर हा एक युवा व्यापारी आणि सामाजिक धार्मिक राजकीय सर्व क्षेत्रात काम करणारे, आमचे कांद्यासोबत कांदा लावून राहणारे आमचे राकेश बंधू, यांना जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तसंच मी हे सांगू इच्छितो, त्यांचं जे काम करण्याचं जे शैली झाला आपण म्हणू, ती खरोखर खूपच सुंदर आहे। रंजले गांजले कशाही परिस्थितीमध्ये कोणी जरी आलं तर गळ्याला कसं कवटाळून लावायचं, त्याचं समाधान कसं करून द्यायचं, हे राकेशकडून बघायला मिळालेलं आहे। त्याचं रक्तातच आहे, कारण त्याचा पारिवारिक वारसा जो त्याला मिळालेला आहे धार्मिक राजकीय सर्व क्षेत्रात, तसंच तेली समाजाचा विषय जिथे आला तिथे देखील समाजाच्या सर्व जेवढ्या काही संघटना आहेत सर्व संघटनेमध्ये त्यांनी पाठीला खांद्याला खांदा लावून ते उभे राहिले। त्याबद्दल मैं एक ही बात कहना चाहूँगा उनके बारे में कि राकेश जी, आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। धन्यवाद।